नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्या न्यूज टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मजदूर की मौत के बाद परिजनों ने किया सड़क पर जाम। शेरघाटी शहर मुख्य मार्ग ओवर ब्रिज नया बाजार के समीप एक मजदूर की मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक महेंद्र यादव प्रतिदिन की भांति आज भी मजदूरी का काम करने शेरघाटी आया था। मिस्त्री गाड़ी का काम कर गाड़ी को चेक कर रहा था और पीछे नहीं देखा और वाहन के पिछले हिस्से से दबकर मजदूर की मौत हो गई। मौके पर पहुंची शेरघाटी थाना की पुलिस के द्वारा उसके परिजनों को सूचना दी गई। परिजन के पहुंचते ही चित्कार मच गया। मृतक अपने पीछे एक बेटा और तीन बेटी को छोड़ गया। घटना की सूचना पाकर पहुंचे पूर्व मंत्री विनोद प्रसाद यादव ने समझा बुझाकर सबको पीएम के लिए भेज दिया और उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जो भी पारिवारिक राशि होगी वो मृतक के परिजनों को दिया जाएगा। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश उप चिंटू सिंह, चिलम पंचायत के मुखिया मुमताज अंसारी, प्रखंड प्रमुख नरेश मंडल, उप प्रमुख लाल बहादुर शास्त्री आदि ने मृतक महेंद्र यादव के प्रति अपना दुख प्रकट किया। आइए आपको सुनाते हैं मृतक के प्रति लोगों ने क्या कहा। गया जिला से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। चाहे जो है चिलम पंचायत के मुखिया हैं, मेरे ही मुखिया जो है चिलम पंचायत के ही ये निवासी थे, मेरे ही पंचायत के वहाँ है। मेरा नाम मुमताज अहमद, मुमताज अंसारी। हम लोग को जानकारी हुई, यहाँ आए देखने के बाद बहुत हम लोग को दुख हुआ और हम लोग इनके परिवार के लोगों के सहायता के लिए हम लोग वीडियो से भी बात किए हैं और वीडियो साहब बोले कि ठीक है, हम उनका अथी कर देंगे, चेक वगैरह दे देंगे है, और फिलहाल इनको जो है से हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दे रहे हैं और जो आगे का जो प्रोसेस होगा, जो लाभ मिलता है 4-5 लाख रुपया शायद, वो तो वो भी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। घटना कितने बजे का ये है, कितने बजे घटना? देखिए हमको तो पता नहीं है, हम गया से लौट रहे थे, हम घर गए और उसके बाद पता चला हमको करीब 1 घंटा पहले, तो हम यहाँ पहुँच गए गाड़ी। कुछ लोग बता रहे हैं कि 3 बजे या 3 बजे का ये घटना। हम तो बोल रहे थे, हम 3-4 बजे बोल रहे हैं, लेकिन हम तो हमको 1 घंटा पहले मिला है जानकारी, तो हम तुरंत मतलब यहाँ आए। अच्छा, और हम तो यहाँ पे कोई अभी आला अधिकारी पहुँचे हैं सर इस स्थिति को देखने के लिए घटना? यहाँ आला अधिकारी वीडियो आए थे, चले गए, और हमारे थाना प्रभारी भी आए थे और हमारे मंत्री जी भी आए हुए हैं, उस पंचायत के मुखिया भी हैं और हमारे साथ उप प्रमुख भी हैं, जिला परिषद भी हैं, मैंने हम लोग पंचायती राज के जो भी मतलब यहाँ हैं जीते हुए निर्वाचित सदस्य सारे लोग यहाँ पर हैं मौजूद हैं और हम लोग कोशिश है कि हम लोग इनको जहाँ तक संभव होगा मैंने इनका परिवार का पर्याप्त लाभ योजना हम लोग दिलाने का काम करेंगे। जी सर, आपका परिचय? मेरा नाम नरेश कुमार, ब्लॉक प्रमुख शेरघाटी। क्या घटना घटा यहाँ पर? घटना एक गाड़ी वाला, एक व्यक्ति सोने खाप के रहने वाले थे, महेंद्र यादव नाम था और हमारे ही परिचित हैं, लोग यही काम उम करते थे। वो पेशाब कर रहे थे वहाँ पे हाईवे के नीचे जाकर और इसी दरमियान में ये वर्कशॉप, गोल्डन वर्कशॉप से वो कोई गाड़ी, पिकअप गाड़ी जो थी, कुछ लोग बता रहे हैं यहाँ पे मुख दर्शक कि पिकअप गाड़ी थी जो बैक कर रही थी, वो ट्रायल कर रही थी और उसी दरमियान में वो ड्राइवर देखा नहीं और वो महेंद्र यादव को धक्का मार दिया और धक्का मारने के बाद इतना बेरहमी से मारा है, अगर एक बार लगता, मुझे जैसा सर दिखने से पता चलता है कि अगर एक बार लगता तो वो बच जाता व्यक्ति, लेकिन वो लगातार उस पर रौंदते हुए निकल गया और इसी दरमियान उनकी मौत हो जाती है। और मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि गरीब परिवार से आते हैं इनको जो बिहार सरकार जो उचित मुआवजा है वो मिलना चाहिए और ये गाड़ी कौन है वो चिन्हित होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो मारा है वहाँ पे जाकर घटना का कोई संभावना नहीं, दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। अभी तक गैरेज वाला कोई बताया कि नहीं? कुछ गैरेज बंद करके भागा हुआ है। मैं तो चाहूँगा कि गैरेज वाले को सामने आकर कॉपरेट करना चाहिए था प्रशासन को, पीड़ित परिवार को, लेकिन पता नहीं वो क्यों भागा हुआ है, तो इसकी जांच पुलिस करेगी और यही कहना है मुझे। कितने बजे की घटना है ये? 4 बजे की घटना है। अच्छा, अभी इतनी बड़ी घटना हो चुकी है और अभी तक अंचल अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचे? अंचल अधिकारी को आना चाहिए था, प्रशासन को आना चाहिए था, पीड़ित परिवार को सद्भावना देना चाहिए था, जो उचित मुआवजा है वो इसको मिलना चाहिए, हम लोग मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन आप तो जान ही रहे हैं बिहार में क्या स्थिति है।
अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? सीसीटीवी कैमरा दीजिए। कैमरा भी है, लेकिन मेरा कहना ये है कि मेरे घर से कोई गाड़ी क्यों हुआ बताइए। हम लोग तो बाजार आए हुए थे, यहाँ पर आए तो भीड़ लगी हुई थी, तो एक सज्जन बोले कि अपने ही इलाका का सोने खाप का महेंद्र यादव है, उसी का एक्सीडेंट हो गया है। कोई गाड़ी वाला था जो गैरेज में काम करा रहा था। कैसे आपको पता लगा कि यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी? रुक गए हम भी भीड़ देख के, उसी में पता चला एक्सीडेंट हुआ। तो किसका हुआ? तो पता चला मेरे बगल का एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, क्या नाम था इनका? महेंद्र यादव। सोने खाप के रहने वाला? सोने खाप के रहने। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रविंदर कुमार। दुखद है, इस पर हम लोग सबों को दुख है। हम आने वाला परिवार था, इसको काफ़ी दुख हुआ है, इसके परिवार को क्षति पहुंची है। हम लोग प्रशासन के लोगों से इसको मदद करने के लिए कहे हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी तत्काल इनको पारिवारिक लाभ योजना के तहत 20,000 रुपये का चेक उपलब्ध करावेंगे और बाकी जो प्रक्रिया के तहत होगा उसको हम लोग मदद कराएंगे। बच्चे भी हैं सर? बच्चे उस सारी बात जानकारी हम लोगों को है, लेकिन जो भी कानून में प्रावधान होगा उसके तहत हम लोग इनको, चूँकि हम लोग जानते हैं कि एक मजदूर टाइप के आदमी है, कमाने खाने वाला आदमी है, कोई बड़ा आदमी नहीं, तो इसको जितना भी हो सके हम लोगों को मदद करना चाहिए, मानवता ही का। क्या पता लगा यहाँ पर जो मृत्यु हो गया, आप देख रहे हैं? पेशाब करने गया था, कोई गाड़ी वाला पैक कर रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, मेरा मुंशी यहाँ से फोन करके बोला कि ऐसा ऐसा बात हो गया, भैया आइए। क्या करते थे ये? पोलदारी का काम करते। क्या नाम था इनका? इनका नाम कुटुन था, कुटुन के नाम से हम लोग जानते हैं, कुछ असली नाम होगा तो ये जानते हैं। महेंद्र यादव का नाम। अच्छा अच्छा, कहाँ के रहने वाले थे? सोने खाप के रहने। सोने खाप के, मतलब गाड़ी से एक्सीडेंट इनका हुआ, जो मृत्यु हुआ सुनने में आ रहा कोई पिकअप वाला मार के भागा। पिकअप वाला मारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिद है। बताइए तो पलदारी कर रहे भैया यहां। अच्छा, यहां पर बगले ने पलदारी करा है पिल्ला ने। अच्छा, अब ओकरे ने से कान कैसे धक्का लगले, कोई ना कहल के भैया बोल लगते हैं आपको यहां भाई सुन लगा है। क्या नाम था इनका? महेंद्र यादव। महेंद्र यादव। क्या आपको जानकारी हुई बताइए? जानकारी तो हम लोग यही हुआ कि यहाँ आलू वाला आढ़त में काम करता था। अच्छा, इसका नाम महेंद्र यादव, वो ग्राम सोने खाप का रहने वाला है। ये शौच करने के लिए इधर आया और कोई गाड़ी वाला बैक करने में इसको मार दिया धक्का, जिसकी मृत्यु हो गई। तो कैसे लगा कि बैक करके मार दिया आपको? लोग बता रहे हैं। लोग बता रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। उपाध्याय सिरघाटी नगर परिषद, तालकेश्वर चौधरी।